हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं लैक्मे 925 सीसी कलर ट्रांसफॉर्म क्रीम का रिव्यू कर रही हूँ, जो कि मैंने शेड लिया है बेज। एंड मैंने पहले लैक्मे 925 सीसी क्रीम का भी रिव्यू किया है। ये सीसी क्रीम का कलर ट्रांसफॉर्मिंग क्रीम है, जो कि इंस्टेंट स्किन स्टाइलिस्ट है और SPF 30 PA++ के साथ आती है, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज ये एक सनस्क्रीन का भी काम करती है एवरी डे यूज़ में। एंड दिस इज़ प्राउडली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। 349 रुपीज़ इसका प्राइस है और मुझे ये 349 रुपीज़ में ही मिली है। एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 2 ईयर्स, यानी कि इसकी जो वैलिडिटी है इस्तेमाल करने की वो है 2 ईयर्स, और आप इसे 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तक इसकी डेट जो है एक्सपायर नहीं होगी। 30 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है। एंड दोस्तों, इसका जो इसके बारे में मैं आपको दिखा दूँ, आप इस तरीके से देख सकते हैं। जब आप क्रीम को निकालोगे तो वाइट होगी, एंड जब आप फेस पे फिनिशिंग दोगे तो इस शेड में चेंज होकर के आपके फेस पर बहुत ही नेचुरल एंड ड्यूई लुक दे देगी। सो इंस्टेंट कलर लैक्मे फैशन वीक में इसे यूज किया जाता है। कलर ट्रांसफॉर्म्स क्रीम इंस्टेंटली ब्राइटन्स, कंसील्स इवन स्किन टोन, मॉइस्चराइजेस, फ्रेशन एंड प्रोटेक्ट्स। दिस कलर चेंजिंग क्रीम स्टार्ट्स लाइक अ फेनेस क्रीम एंड फिनिशेज लाइक मेकअप टू गिव यू स्किन दैट लुक्स स्टाइल बाय एन एक्सपर्ट एवरी डे। सो दोस्तों, यूजेस है इसके, अप्लाई द क्रीम इन डॉट्स अक्रॉस क्लींस्ड फेस एंड नेक एंड जेंटली ब्लेंड यूजिंग फिंगर टिप्स। तो आप इसे फिंगर से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं। आपको जिस भी चीज से ज्यादा अच्छी फिनिशिंग मिलती हो उससे आप ब्लेंड कर सकते हैं। और अब मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ, तो आप देखिए लैक्मे सीसी पर भी इस तरीके की क्लॉक बनी हुई है और ये लोगो यहाँ पर बना हुआ है, जो कि इसके ऑथेंटिक यानी कि ओरिजिनल होने की पहचान है दोस्तों। और इधर लैक्मे लिखा हुआ है। जी हाँ, आजकल तो बाप रे मार्केट में इतना ज़्यादा फेक प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। आपको मैं लखनऊ की बात बताती हूँ। मैं किसी काम से ऑफिस गई थी। ऑफिस के बाद मुझे लगा कि मार्केटिंग के लिए मुझे जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी, शॉपिंग करनी थी थोड़ी सी, तो मैं अमीनाबाद के कॉस्मेटिक्स मार्केट में गई। तो वहाँ मैंने देखा दोस्तों कि वहाँ पर जो बैग होते हैं, जो हैंडबैग टाइप के, जो झोले टाइप के होते हैं, उसमें इस तरीके के लैक्मे के, मेबलिन के, लॉरियल के, लोटस के, एंड बहुत सारे हुडा ब्यूटी के, और मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही मैक के बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के डुप्लीकेट, रद्दी डुप्लीकेट भरे हुए थे। एंड वो लोग उन्हें 20 रुपए से वो 100-200 रुपए तक बेच रहे थे। और उस बंदे से मैंने जब नकली सीसी क्रीम उसकी देखी तो वो मेरे हाथ पे जैसे वॉल पुट्टी नहीं होती व्हाइट कलर की, वैसे वो चिपक गई दोस्तों। वो इतनी गंदी थी एंड पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि अगर इतना खुलेआम डुप्लीकेट चीज़ें बिक रही हैं तो ये ओरिजिनल वाली जो कंपनियां हैं ये उनको पकड़ क्यों नहीं रही है, पुलिस उनको पकड़ क्यों नहीं रही है, क्लेम क्यों नहीं कर रही है, इस तरीके से धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है। बात करते हैं अब भाई इस क्रीम की, सॉरी अबाउट दैट इतना बोलने के लिए। ये है 349 रुपीज़ की दोस्तों, और मैं इसको बता चुकी हूँ प्रोडक्ट क्वांटिटी भी, प्राइस भी, और अब मैं आपको शेड दिखाती हूँ। ये है बेज, ये है गोरे लोगों के लिए, और इसमें दूसरा शेड आता है ब्रॉन्ज, वो है डार्क शेड उनके लिए, जिनकी स्किन का कलर जो है वो हल्का सा गेहूं से सांवला है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज द क्रीम। और दोस्तों, जब हम क्रीम निकालेंगे ना तो क्रीम के साथ में आप देखेंगे अंदर छोटे छोटे ब्लैकिश ब्राउनिश छोटे छोटे से स्पार्कल टाइप के इसमें दाने टाइप के हैं। आपको अगर पास से दिख रहे हो दोस्तों, पता नहीं दिख पा रहे हैं कि नहीं, तो अभी आप देखिएगा ये क्रीम है, ठीक है। मैं इसको इजीली मसाज करी, उससे ज़्यादा निकल गई है। आप चाहे ये इतनी क्रीम जो है फुल फेस के लिए सफिशियंट है और ये एवरीडे के लिए बहुत अच्छी है। मैंने इसे यूज़ किया है, और मैं जब नहाने के बाद कोई क्रीम लगानी होती है मुझे, और तो मैं यही लगाती हूँ क्योंकि मेकअप वाला फिनिश मिलता है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये ना एक बहुत ही अच्छे फाउंडेशन बेस्ड क्रीम में टर्न हो रही है, और स्किन का जो कलर है वो बिल्कुल नेचुरल ही हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में हो चुका है, आपको शायद वीडियो में एज सच इतना नहीं दिख रहा होगा, बट फिर भी ये ट्रांसफॉर्मिंग क्रीम है। तो आपको अभी इसका रिजल्ट
दिख जाएगा दोस्तों, और बहुत ही ज्यादा इवन टोन। एंड इसके पहले आपको किसी मॉइस्चराइजर को भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों हाथों में, मेरे दोस्तों दोनों हाथों में डिफरेंस देख सकते हो। दिस इज ऑसम क्रीम फॉर एवरी डे यूज। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो हल्की सी थोड़ी सी अलग है, मतलब मेडिकेटेड टाइप की फ्रेग्रेंस है, जैसे कि थोड़ी बहुत दवाई इसमें मिक्स कर दी हो, बिकॉज क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मिंग क्रीम है तो हो सकता है कुछ एज सच इसमें पड़ा हो, आई डोंट नो। तो इसको आप देख रहे हैं, इसका जो लुक है वो टोटली चेंज हो चुका है। ये एक कलर ट्रांसफॉर्म क्रीम है जो कि सच में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। देखिए ईजिली ब्लेंड हो गई है ये मेरी स्किन में। एंड उसके साथ ही दोस्तों आप डिफरेंस देख सकते हो स्किन में एवरी डे के लिए। दिस इज रियली ऑसम। एंड आपको ना मैं डे लाइट में दिखा रही हूँ और मेरी वीडियो एडिटेड नहीं होती हैं, तो आप देख रहे हैं कि हल्का सा ब्राइटन लग रहा है। बट मैं आपको दिखा दूँ, आप देखिए, जी हाँ बिल्कुल नेचुरल लुक आ रहा है सामने से देखें तो। एंड ये है लैक्मे 925 CC कलर ट्रांसफॉर्म क्रीम बेज शेड फेयर स्किन टोन के लिए दोस्तों। और जिनकी स्किन टोन डार्क है वो दूसरा वाला शेड ब्रॉन्ज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा रिव्यू है, और इसकी शेल्फ लाइफ मैं बता चुकी हूँ आपको, 2 ईयर्स है, या और कुछ बताने को बचा नहीं है आई थिंक। जी हाँ, मैं आपको इसका डेमो भी दिखा चुकी हूँ, तो आपको मैं डेफिनेटली ये सजेस्ट करूँगी अगर आप लेना चाहते हैं तो। अगर आपका बजट अलाउ करता है इस क्रीम को डेली में लगाने के लिए तो आप बिल्कुल लीजिए, और नहीं करता है तो कोई बात नहीं, मत लीजिए। और अगर आप कोई और फेयरनेस क्रीम लगाते हैं तो आप वो लगाइए, वो कंटिन्यू कीजिए। बट दिस इज ऑसम क्रीम, एंड इसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगा। एंड साथ ही आप मेरे दोनों हाथों में दोस्तों अंतर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से चेंज आ रहा है। एंड इधर फेयरर लग रहा है मेरा हाथ, इधर डार्क लग रहा है, बिकॉज मैंने इस हाथ पे लैक्मे CC क्रीम लगाई है। जी हाँ, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल रारा। एंड आप मेरा फेसबुक पेज रारा भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं वहाँ मुझे। और आपके कमेंट्स का मैं कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई दूँ, सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूँ। आई विल मैं ट्राई करती हूँ एंड मैं बिल्कुल करूँगी। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।